नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन। नगर पालिका चुनावों को लेकर नगर में सरगर्मियां तेज, चर्चाओं का दौर जारी। मंदिर मंडल के क्रियाकलापों पर सामाजिक अंकेक्षण की मांग। हरिओम केलवा टीम बनी जिला क्रिकेट चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। नंद भवन को आइए सबसे पहले श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी है, लेकिन प्रभु को श्रृंगार दशमी के धराए जाएंगे। आज से आपके श्रृंगार प्रारंभ होंगे, अर्थात तिलकाय श्री की तरफ से। भाई दूज तक नित्य जमुना जल की जारी व आगे के गादी चरण चौकी खंड आदि के ऊपर से सफेदी उतर जाएगी। सब उत्सव के मखमल के धराए जाएंगे। वस्त्रों में प्रभु श्री जी को आज सूथन, घेरदार वागा, चीरा चोली व पिछवाई सब सफेद धराई जाएंगी। कारचौ के ये वस्त्र होंगे। पटका मलमल को एक छोर आगे एक बगल को, ठाड़े वस्त्र लाल आएंगे। सभी वस्त्र की किनारी सुनहरी रहेगी। आभरण सभी उत्सव के पन्ना के रहेंगे, हल्के श्रृंगार धराए जाएंगे। चार माला पन्ना की धराई जाएंगी। श्री मस्तक पर लूम की किलंगी सुनहरी रहेगी। वेणु वेत्र हरे मीना के होंगे। पट सफेद गोटी व सोने की रहेगी। गोपी वल्लभ में मनोर के बड़े न करोगेंगे ठाकुर जी। शयन में लोम तुर्रा सुनहरी रहेंगे तथा श्रृंगार हल्के रहेंगे। मणिकोठा व डोल तिवारी में नित्य हांडी में रोशनी की जाएगी। उत्थापन के पीछे फूल पत्ता की बाड़ी आएगी। अनुसर में नित्य मिठाई का थाल रहेगा। अत्तरदान चोपड़ा भी आएंगे। यह विशेष सेवा दिवाली के तहत है। दोस्तों, गत 18 अक्टूबर को सीजी सेवा समिति के अध्यक्ष दिनेश चंद्र सनाडे जो सीए हैं, उनके नेतृत्व में उनके सहयोगियों ने मंदिर मंडल के क्रियाकलापों की सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए एक आवेदन मंदिर मंडल के मुख्य निष्पादन अधिकारी को सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्योंकि मंदिर मंडल में आने वाला धन सार्वजनिक प्रारूप का है, अतः उस धन का निवेश प्रभु श्रीजी हित, वैष्णव हित एवं जनहित में हो रहा है या नहीं, इसका सामाजिक अंकेक्षण किया जाना आवश्यक है। इस पर मंदिर मंडल के मुख्य निष्पादन अधिकारी जितेंद्र ओझा का कहना था कि यह प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा, वहां से राज्य सरकार से इस पर इजाजत मांगी जाएगी। यहां उल्लेखनीय है कि नरेगा जैसे या जहां भी सार्वजनिक धन का उपयोग होता है, वहां पर सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है। अब मंदिर मंडल इस पर क्या निर्णय करता है, यह देखना होगा। जैसे ही राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका चुनावों के लिए अध्यक्ष के वर्ग की घोषणा हो गई है, वैसे ही राज्य भर के साथ नगर में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दोनों ही प्रमुख दलों कांग्रेस व भाजपा ने बैठकें आयोजित कर मतदाताओं तथा कार्यकर्ताओं का मन टटोलना प्रारंभ कर दिया है। जहां भाजपा में कल अरुण चतुर्वेदी ने बैठक ली, तो कांग्रेस के संरक्षक एवं अध्यक्ष के नेतृत्व में एक बैठक का कार्यालय पर आयोजन किया गया। सभी का मंतव्य नगरपालिका चुनावों को लेकर ही है। अध्यक्ष पद सामान्य का आने के कारण कई दावेदार मैदान में उतर गए हैं, तैयारियां कर रहे हैं। चारों तरफ राजनीतिक चर्चाओं का दौर जोरों पर है। नगर में साफ सफाई का कार्य चल रहा है, पर उसमें राजनीतिक चर्चाओं ने अच्छा खासा तड़का लगा दिया है। सफाई करते हुए समय कहाँ पास हो रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा, पर देर रात तक बाजारों में इसी विषय पर चर्चा हो रही है। अब एक खबर खेल जगत से। श्रीनाथ द्वारा क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित जिला स्तरीय दामोदर कप द्वितीय संस्करण की विजेता टीम हरिओम केलवा बनी है। सोमवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में हरिओम केलवा ने सालासर मार्बल को 24 रन से हराकर यह खिताब जीता है। क्लब के प्रवक्ता तरुण सोनी ने बताया कि टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि आईपीएल खिलाड़ी सिद्धार्थ त्रिवेदी थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जसप्रीत बुमराह के कोच व सौराष्ट्र के पूर्व रणजी खिलाड़ी किशोर त्रिवेदी तथा कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर, जिला क्रिकेट संघ के सचिव गिरिराज सनाड्य व मनीष राठी उपस्थित थे।
विजेता टीम को मुख्य अतिथि सिद्धार्थ त्रिवेदी ने ट्रॉफी व 21,000 रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया। वहीं उप विजेता सालासर मार्बल को देवकी नंदन गुर्जर ने 11,000 नकद व ट्रॉफी प्रदान की। यह थे आज के समाचार। मैं भाविका जोशी आप सभी से इजाजत चाहती हूँ। कल फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद।